अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के करनाल की, जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में जुटे हैं और पुलिस है कि हाथ पे हाथ रखे बैठी है। आखिर अब की बार बदमाशों ने ऐसा क्या किया कि पुलिस के ही पसीने छूट गए। जानने के लिए देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। करनाल में एक बार फिर बदमाशों ने कहर बरपाया और पुलिस को चुनौती देते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया और बड़े ही इत्मीनान से फरार हो गए। आपको बता दें कि लुटेरे द्वारा एक फायर भी किया गया, जिसमें दुकानदार बाल बाल बच गया। वहीं लूट की पूरी वारदात साथ लगती दुकान के बाहर लगे कैमरे में कैद हो गई। मेरी दुकान पुरानी सब्जी मंडी रोड पे ही है, कॉर्नर की मेरी शॉप है और मैं अपना रोज की तरह अपना काम करके घर की तरफ रवाना होने से पहले अपना सामान गाड़ी के अंदर रखे जा रहा था। इतने में एक युवक आया जो दिखने में सरदार था। उसने आते ही सबसे पहले मेरे ऊपर बंदूक तान दी और उसने गाली दे के बोला कि तेरे पास जो है दे दे, नहीं तो मैं गोली मार रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है भाई। उसने मेरी तरफ का दरवाजा पटका, उसने पिछली तरफ का मेरा दरवाजा खोला, उसमें मेरा बैग पड़ा था जिसमें कि मेरा कैश रोज नामची वगैरह था, वो लेकर भाग गया। और दिखा है कि सामने मेन रोड के ऊपर एक मोटरसाइकिल सवार उसका पहले से इंतजार कर रहा था। तो मिसफायर भी फायर हुआ, उसने मेरे ऊपर गोली चलाने की कोशिश की है जो कि उससे नहीं हुआ। तो क्या चाहेंगे आप पुलिस से? पुलिस से ये चाहेंगे, देखो हम तो दुकानदार हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपनी मेहनत करते हैं यहाँ पे, अगर इस हिसाब से अगर सबके साथ अगर ऐसा काम होगा तो कैसे बात बनेगी। तो आपकी कहाँ और किस नाम से दुकान है? हमारी दुकान बंदरा ट्रेडर के नाम से है, पुरानी सब्जी मंडी रोड पे। कितने की लूट हुई? ये अराउंड 1.25 लाख। आपका नाम? मेरे खुद के मेरे रोज नाम से है और चीजें हैं, कुछ रोजगारी, मेरा एक मोबाइल है जिसका नंबर मैंने पुलिस को दिया है, उन्होंने ट्रेस भी किया है जो कि शुगर मिल के पास बंद हुआ है। वहीं लूट की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर बेखौफ आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुरानी सब्जी मंडी में ट्रेडिंग मार्केट है, बंसल के नाम से दुकान है। इसमें करीब 9:20 के आसपास दो युवक आए, जब ये दुकान बंद करके जा रहे थे बंसल जी, और इनसे बैग छीन लिया, गाड़ी में रखा था, घर जाने की तैयारी थी। तो बंदूक के नोक पे हुआ सर? बंदूक ले रखी थी। गुप्ता जी बता रहे हैं अभी उनको मेरे को बंदूक दिखाई है, मैं कह रहे हैं जो सामान है दे दो। उसने कहा मेरे पास कोई सामान नहीं है, उन्होंने मेरा बैग छीन लिया। तो कितने की लूट हुई है पता लगा? वो बता रहे हैं अभी 17,000-18,000 रुपये थे उसमें। तो बंदूक गोली भी चलाई सर? गोली चलाने की कोशिश करी है पर चलाई नहीं है। तो सीसीटीवी में कैद हो गया? सीसीटीवी में कैच है परंतु उसमें साफ फोटो नहीं आ रहे, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर उसमें उसकी फोटो ट्रेस होगी तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। क्या कार्रवाई की जा रही है सर इसको? हाँ भाई अब मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, आगे तफ्तीश जारी है। क्या नाम है सर आपका? बहरहाल पुलिस ने जल्दी वारदात का खुलासा करने की बात कही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिस इस लूट की वारदात का खुलासा कब तक कर पाती है। करनाल से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।